तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था उसके आगे एक छोटी सी बात और मुझे बतानी है आपको। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसे इंटरनेट रिक्वायर्ड है, इंटरनेट रिक्वायर्ड, और जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उनको इंटरनेट नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि नोट पैड हो गया, पेंट ब्रश हो गया, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे इंटरनेट जो रिक्वायर्ड है, जिनको जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड है, तो उनको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा क्लाइंट सॉफ्टवेयर और सर्वर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है, एक जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड है और एक जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो जिनको इंटरनेट रिक्वायर्ड है, हमने कहा उसमें से कुछ होते हैं क्लाइंट सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये दोनों तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको जब आप अपने सिस्टम में रन करोगे तो आपको इन्हें एक पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ेगा। वी मस्ट असाइन अ पोर्ट नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हमें पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ेगा जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास तो 16 बिट नंबर है वर्चुअल पोर्ट, यानी कि 0 से लेकर 65535 पोर्ट्स, तो हम इतने सारे सॉफ्टवेयर हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो स्किप हो गया था, सो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे देखेंगे।